तो हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है टेक्निकल ग्रुप सुबह में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा लिथियम आयन बैटरी के साथ चार्जर और वायरिंग को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, जो मार्केट में लिथियम आयन बैटरी आ रही है उसमें से एक सॉकेट दिया जाता है जिसमें से आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों साथ में ही होता है। तो दोस्तों, हमारे पास ये दो सॉकेट का एक वायर है जिसमें दो सॉकेट हैं, जिसमें से एक सॉकेट तो हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, जो बैटरी में सॉकेट लगी है उस सॉकेट के साथ एक सॉकेट को कनेक्ट कर देंगे और जो दूसरा सॉकेट है उसे हम वायरिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हमारे वायरिंग में पहले से एक सॉकेट लगी हुई है जिससे हम जो दूसरी सॉकेट बची हुई है उसके वायरिंग के साथ कनेक्ट कर देंगे। और कभी भी हमको चार्जिंग लगानी हुई, चार्जिंग पॉइंट पे लगाना हुआ तो चार्जर को भी, तो दोस्तों जो वायरिंग वाली सॉकेट है जिसमें हमने वायरिंग की सॉकेट कनेक्ट किया है जिस सॉकेट पे, उस सॉकेट को हम निकाल लेंगे वायरिंग से अलग कर देंगे। उसी सॉकेट पे हम चार्जिंग वाली सॉकेट लगा देंगे। जब हम चार्जिंग वाली सॉकेट लगा देंगे तो बैटरी चार्जिंग मोड पे चली जाएगी और हमारा बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।